सकती हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाता। जा रही हूँ, सांप राजा इंस्पेक्टर से मिलूंगी, क्योंकि मेरे वही दुख के हमदर्द है, शायद कि कुछ मेरी मदद हो सके। भगवान चले चलूं, क्योंकि रानी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी, लेकिन अभी तक मिलने के लिए नहीं आई। आर्या जा दिल रे, अरे तुझी को पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आजा दिल रे, तुझको पुकारा, सर पे ते है विपत्तिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाए कौन मोरिया।
अरे रानी क्या बात है, और तुम इस हाल में, तुम्हारे आंखों से आंसू, क्या बात है रानी। अरे बहे क्यों आंख से आंसू रानी, आखिर क्या बात है। अरे बहे क्यों आंख से आंसू, अरे मुझे प्यारी सच बता दीजिए। सब कोई सदमा बीमारी है, कोई मेरे रहते हुए तुम्हारे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कम से कम कुछ तो बताओगी। अपने राजा से नहीं बताओगी तो किससे बताओगी। राजा मेरी दुनिया उजड़ गई राजा। अरे क्या हो गया, मेरी मौत,
मेरे बाबू को किसी ने मार दिया राजा, क्या उसी के सदमे मेरी माँ मर गई राजा। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई मेरी माँ मर गई। मैं नहीं राजा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया हट गया है तो ये अभी अभी तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है। ये राजा तुम्हें जिंदगी भर, तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रखेगा, तुम्हें दुख की तरफ कभी देखने नहीं दूंगा। ये राजा का वादा है। राजा मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? हमारे तुम्हारे बीच है, किसी को मालूम ना हो। हाँ। राजा तुम्हारी निशानी मेरे पेट में पल रही है राजा। क्या? हाँ राजा, अगर रानी ये बात है तो आज से तुम मेरे मकान में रहोगी और हम दोनों तुरंत तत्काल शादी कर लेंगे। इसके बाद ऐसे आराम से रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा मैं भगवान से ही दुआ करूंगी कि तुम जैसा इंसान सबको मिले। राजा कहो, ये बोलो कभी मुझे छोड़ मत देना। मेरे भैया जैसे परदेश गए, आज तक कोई खबर नहीं है मेरे भैया की। कहा मेरे भैया है और उन्हें खबर नहीं है कि उनकी बहन कहाँ कैसे किस साल में है। भैया नहीं रानी, कभी अपने दिलो दिमाग में ये बात मत सोचना कि राजा तुम्हें कभी भूल तो नहीं जाएगा। मैंने तुमसे कसम खाया था कि ये राजा जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। ठीक है राजा। अरे कभी तेरा दामन ना रानी। हाँ राजा। अरे कभी तेरा दामन ना, अरे छोड़ेंगे हमें है लेकर जा रहा है। जौन हमार दुश्मन होई ओका सारे पकड़ के लाई पे हम। अच्छा चल मेरे साथ जंगल की तरफ चलते हैं। आओ चलते हैं, आओ आओ चलते हैं, आज शिकारबाजी करेंगे। शिकारबाजी? हाँ आओ चलते हैं, आओ आओ। इंस्पेक्टर राजा ने हमारा अपमान किया है और श्रम जाने को ऐसी मौत देना है। ये मेरे यार की अपमान हुआ है। आओ तुम्हारा आओ मेरे यार, आओ उसकी तलाश में आओ, चलो आओ। अरे चाहे उठाने पड़े कितने भी दम है, कभी तेरा दाम छोड़ेंगे हमें है कभी। ये सामने वही इंस्पेक्टर है जिसने आपके यार का अपमान किया है, उस अपमान का बदला आज सरे मैदान लेना है मेरे यार। रानी इधर आओ,
जब हमारी तुम्हारी शादी होगी। हाँ स्वामी, देखो अब यही तो समझ लो हमारी तुम्हारी जिंदगी है। क्यों नहीं राजा? जब शादी होगी तो उसके बाद जानती हो तुम्हें कहाँ ले चलूंगा। कहाँ ले जाओगे राजा? सुनो मेरी बात, अरे दिल्ली ले जाऊंगा, अरे तुमको घुमाऊंगा, अरे तुमको घुमा करके अरे शादी रचाऊंगा, अरे तू ही तो है मेरी जान, मैं तेरा पहला से नहीं आता। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, एक खर्जन मेरे हाथ में दे दे और देख ये बाजियों में कितनी ताकत है। राजा तेरी भूल है, वो ठाकुर किस काम का जो दुश्मन को करबल छल से न मारे। दुर्जन सिंह बहादुरी नहीं होती, एक कायरता है। अगर मर्द का बच्चा है, अगर असल छत्री है तो एक शमशीर मेरे हाथ में दे दे और देख, पहले देख ये राजा तुझे कैसी मजा करता है। हथकड़ी लगा, हथकड़ी लगा हराम चादर को, हथकड़ी लगा आज को। आज मैं निहत्था हूँ, नहीं तो बता देता कि ये राजा इंस्पेक्टर क्या चीज है। राजा इंस्पेक्टर, राजा तुझे अपने बाजुओं पर बहुत बड़ा नाज है। साले तुझे हम वो नसीहत जरूर याद दिलाएंगे जो हमारे यार के साथ तूने किया है। राजा ये क्या हो रहा? राजा मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर दुर्जन सिंह ये वही हसीना है। अगर मुझे मालूम होता कि तू इतना बड़ा कुत्ता है, मैं तेरे यार को वही जूते से मारता। तूने अभी कुत्तापन देखा कहा है ठाकुर दुर्जन सिंह का, आज मैं तुझे दिखाऊंगा जरूर। अरे बांध दो खंभे में जाओ तेरा आशिक
ये इंद्र आशिक कुछ नहीं कर सकता और ये तेरी रंगीन जवानी के साथ ठाकुर का कब्जा होगा है? अरे नहीं, इस कदर ठाकुर मुझे ठाकुर साहब मेरी